परिवार के लिए अत्यंत दुखद विषय है। आपके श्रीमान जी और आपके दो पुत्र और उनके परिवार इस समय मानसिक संताप में है। उन सबकी और परिवार के अलावा परिवार के सगे संबंधी, परिवार के अंदर समाज के संबंधी सभी को श्रद्धा के द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए स्नेह सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यतः मृत्यु के उपरांत ज्ञान संबंधी गरुड़ पुराण को ही सुनाया जाता है, किसी और दूसरे शास्त्र को नहीं सुनाया जाता है। तो गरुड़ पुराण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ में मृत्यु के बाद का विषय लिखा हुआ है। बाकी किसी भी ग्रंथ में जीवन के बारे में तो लिखा मिल जाता है, लेकिन शरीर छूटने के बाद से लेकर जो हमारा शरीर के अंदर से जीव निकलता है, वो जीव किस गति को प्राप्त होता है, वो जीव जाता कहाँ है, क्या उसका पुनर्जन्म भी होता है, क्या यहाँ से स्वर्ग या नर्क या अन्य अन्य जो रूपों के विषय में बताया गया है उसकी गति वहाँ होती है, और जब कोई जीव पुनः पृथ्वी पर आता है तो माँ के गर्भ में कैसे पहुँचता है, ये रहस्यात्मक विषय। और दूसरा ये विषय कि मृत्यु अटल सत्य है, सनातन परंपरा में इसको श्रद्धा से करने को कहा गया, ये भी यज्ञ का हिस्सा माना गया, पुत्र के लिए ये धर्म है, क्योंकि माता का ऋण कोई नहीं चुका सकता। माता का ऋण को मनुष्य अपने जन्म के रहते रहते को नहीं चुका सकता, लेकिन पुत्र यदि करने वाला हो, कर्म करने वाला हो, श्रद्धा रखने वाला हो, माता पिता को उनके रहते रहते ही उनके शरीर को इतना योग्य बना सकता है तपस्या के द्वारा कि उनकी मृत्यु होने पर जब वो उनको जलाकर आए, उनकी तेली के दिन या सोने के दिन उसको सूर्य के मध्य में माता पिता के दर्शन होने चाहिए। तो जिसको पुत्र को चंद्रमा या सूर्य के मध्य में अपने माता या पिता के दर्शन होते हैं उनको मानना चाहिए कि वो तो कर्तव्य सुन लीजिए, क्योंकि समय सीमा इतनी नहीं है कि करुण प्राण का पूरा महात्म में सुनाया जा सके। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है और ये व्यवस्था आदिकाल से है। आदिकाल मतलब होता है जब से सृष्टि आरंभ हुई। हम कितने पुराने हैं इस बात के लिए थोड़ा बुद्धि को आगे लेकर जाएंगे। जहां बुद्धि समाप्त होती है तब वहां दृष्टि पैदा होती है। दृष्टि इसको दी बोलते हैं संस्कृत में, जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं दी वही शब्द आता है, तो बुद्धि के आगे दी है। जब भी आगे चली जाती है तो बेरा पैदा हो जाती है। संबंधियों के अलावा समाज के भौतिक वर्ग, सामाजिक वर्ग के लोग, अच्छे अच्छे व्यक्ति समाज के यहाँ बैठे हुए हैं। समाज में इस श्रद्धांजलि समारोह में गरुड़ पुराण का एक सारभूत शब्द है, पहले मैं जन्मा, फिर जन्मी मेरी माई, उसके बाद पिताजी जन्मे, तब बड़ा भाई। जिसको इस संसार से बाहर जाना है उसके लिए रास्ता है। पहले आप पैदा हुए, आपके पैदा होने के बाद आपकी मम्मी पैदा हुई, मम्मी के पैदा होने के बाद पापा पैदा हुए, पापा के बाद बड़ा भाई पैदा हुआ। जिसको ये रास्ता मालूम है वो पार करके परमेश्वर के पास जा सकता है। और आप ही पहले पैदा हुए, यदि आप नहीं होते तो ये मान चारों वेद पढ़ने के लिए 48 साल चाहिए होते हैं। 48 साल पढ़ने के बाद चारों वेदों का पूर्ण हो पाता है। 12वें 18वें साल या 22वें साल तक वो एक वेद पढ़ चुका हो, इतना उसको ज्ञान मिलने के बाद वो
कष्ट जीवन में जाता था, जो इतने इतनी अवस्था से गुजरकर कष्ट जीवन में जाएगा वह तो निश्चित ही संसार का कल्याण करने का ही कार्य करेगा, कभी दूसरा कार्य नहीं करेगा। अब वर्तमान में मनुष्य के पास कर्म योग है, तो जो भी कर्म करता है जिस क्षेत्र में भी वो है, तो गीता के अनुसार कर्म योगी की गति भी पार ब्रह्म परमेश्वर तक है। असंख्य विष्णु असंख्य शिव समा जाते हैं, हम तो ये ब्रह्मा की संतानें हैं, वहां जाने का रास्ता सबने ढूंढना है, उसके लिए मार्ग में आपको कैसे पहुंचना है ये गरुड़ पुराण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। माता पिता की सेवा शास्त्रों में बहुत विधिवत बतलाई गई है, पुत्र का धर्म है, पुत्र वधु का धर्म है कि नित्य प्रातः काल उठकर माता पिता के पैरों को छूए। पैरों को छूने की विधि भी लोग भूल चुके हैं, उसको रिपीट कर देते हैं, बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए, दाएं हाथ से दाहिना पैर छूना चाहिए। पिता की सेवा करे उनको भगवान के समान पूजे, ऐसे लोगों को भगवान की सेवा का फल तो मिलता ही मिलता है और उनको भगवान की प्राप्ति भी होती है। जैसे पंडरपुर महाराष्ट्र में कुंडली ब्राह्मण के भगवान के माता पिता के चरण दबाते रहे, भगवान बोले कि पंडर हे पंडर मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ, बोले आप भगवान दरवाजे में खड़े हो, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अभी तो उल्टा होता है कि मित्र का फोन आता सब लोग जाते हैं। तो मतलब तात्पर्य ये है कि माता पिता की सेवा ओ अपनी गति का
और आने वाले समय में आप पूर्व गति का ध्यान रखते हुए जीवन को जिए। आज के लिए इतना ही। बोले विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। मैं मृतक की आत्मा की शांति के लिए 3 शांति मंत्र बोलूंगा, उसके बाद सभी लोग ओम का उच्चारण करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। लज्जायां रक्षणं परम्
देयानं कर्णं वस्त्रतः शान्तिं प्रयच्छमे वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं परमं पवित्रं प्रजापते यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यं त्रयं दीमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं फलमस्तु तेजात् पुष्पं पुष्पमाल्यां प्रान्ते संयुक्तं वर्णं योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहाम् ॐ भूर्भुवस्वः कृष्णवे नमः प्रत्यक्ष दीपकं दर्शयामि श्रोतात् वायु च प्राणः जातुखात् अग्नि अजायत पुष्पूर्णस्य पूर्णं फालाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 विष्णोरराकमसि विष्णोः स्नेहपतये स्थौ विष्णोः स्यूरसि कृष्णो ध्रुवोऽपसि वैष्णवमसि विष्णवे बोले विष्णु भगवान की जय गरुड़ भगवान की जय। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु और मृत्यु के उपरांत परिवार को जो शोक होता है उस शोक से निवृत्ति के लिए इन सभाओं का आयोजन किया जाता है और अवसान परिवार के लिए अत्यंत दुखद विषय है। आपके श्रीमान जी और आपके दो पुत्र और उनके परिवार इस समय मानसिक संताप में हैं। उन सबकी और परिवार के अलावा परिवार के सगे संबंधी परिवार के समाज के संबंधी सभी को श्रद्धा के द्वारा उनकी आत्मा की शांति के लिए ज्ञान सभा का आयोजन किया गया है। मुख्यतः मृत्यु के उपरांत ज्ञान संबंधित गरुड़ पुराण को ही सुनाया जाता है, किसी और दूसरे शास्त्र को नहीं सुनाया जाता। तो गरुड़ पुराण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिस ग्रंथ में मृत्यु के बाद का विषय लिखा हुआ है। बाकी किसी भी ग्रंथ में जीवन के बारे में तो लिखा मिल जाता है, क्योंकि शरीर छूटने के बाद से लेकर जो हमारा शरीर के अंदर से जीव निकलता है वो जीव किस गति को प्राप्त होता है, वो जीव जाता कहाँ है, क्या उसका पुनर्जन्म भी होता है, क्या यहाँ से स्वर्ग या नर्क या अन्य अन्य जो रूपों के विषय में बताया गया है उसकी गति वहाँ होती है, और जब कोई जीव पुनः पृथ्वी पर आता है तो माँ के गर्भ में कैसे पहुँचता है, ये रहस्यात्मक विषय। और दूसरा ये विषय कि मृत्यु अटल सत्य है, कार्य करना बंद करती है और उसको ये नहीं लगता है कि ये कोई व्यक्ति यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी यहाँ मृत्यु अटल सत्य है फिर भी उसके जाने से सबको शोक प्राप्त होता है। तो ये शोक क्यों, और यदि मनुष्य जन्म मिला है तो मनुष्य जन्म मिलने का कारण क्या है, और यदि जन्म मिला है तो यहाँ आए क्यों है, तो यदि यहाँ आए हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है। इन सब प्रश्नों के ऊपर नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में 88,000 ऋषि सूत जी से कथाएं सुन रहे हैं। सब प्रकार के वेद शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण हो गया, पुराणों का अध्ययन पूरे पूर्ण हो गया, यज्ञ की निवृत्ति का समय आ गया। सभी ने कहा बोले प्रभु हमें अपने जीवन के तप का तो ज्ञान हो गया कि तपस्या कैसे की जाती है, प्रभु को प्राप्त किया जाता है,
लेकिन मृत्यु और मृत्यु के बाद का क्या है इसके विषय में हमें समझाई। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही कोई व्यक्ति अपना प्राण त्यागता है तो प्राण त्याग के समय उसके शरीर से अंगूठे के बराबर आकृति वाला वायु रूपी शरीर बाहर निकलता है और वो वायु रूपी जो शरीर है वो शरीर के 9 छिद्रों से बाहर निकलता है। हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नासिका के, 1 मुख का और लिंग का गुदा। ये 9 छिद्रों के रास्ते से वो बाहर निकलता है। शास्त्र कहता है मृत्यु के समय जिसके शरीर पर चाहे वो तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, परमहंस हो, सामान्य मनुष्य हो, गृहस्थी हो, तामसी हो, सात्विक हो, राजसी हो, जाना तो सबको एक ना एक दिन है। जब जाएंगे तो प्राण किस मार्ग से निकला उसके निकलने से पता लग जाता है कि हाँ ये व्यक्ति की मुक्ति हुई, ये स्वर्गलोक हो गया, ये नरक हो गया, ये इसका जन्म होना होगा या इसका जन्म निर्देश है। तो निर्देशों में ऐसा बताया गया है कि किसी की मृत्यु के समय यदि उसका प्राण शरीर के निचले भाग से निकले अर्थात गुदा या मल के रास्ते से निकले तो वहां से निकला हुआ प्राण दक्षिण दिशा को लेकर जाता है। योनियां हैं, 21 प्रकार के नरक है और उसमें हजारों प्रकार की योनियां हैं और हर नरक की अवस्था और उसका वर्णन है। यदि किसी के प्राण उसके मुख से निकले और नाभि से निकले और इंद्र लोक की अमरावती नाम है उसका जहां पर उनकी पूरी है वहां स्वर्ग का भोग प्राप्त करने के नाम विषय में बताया गया है तो पश्चिम दिशा को जाता है और पश्चिम दिशा को जाने वाला वरुण लोक को प्राप्त होता है। वरुण लोक की आयु इंद्र लोक से भी ज्यादा है, वहां को भोगने के बाद वह पुनः पृथ्वी पर आता है। दक्षिण में जाएगा तब भी वो उसका जन्म लाभ, लेकिन कोई बिरला यूं कहें कि करोड़ों में कोई एक ऐसा योगी होता है जो अपने प्राण को अपने मस्तक के बीच में से निकालता। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं माता पिता ने संतान की जब इच्छा की और माता जब गर्भवती हुई तो उसके 60वें दिन हम लोग माँ के शरीर में प्रवेश करते हैं। 61वें दिन या 60वें दिन माँ के शरीर में हमारा प्रवेश होगा गर्भ के 60वें दिन। जिस मार्ग से माँ के शरीर में हम प्रवेश करते हैं उस मार्ग से पता लगता है कि हाँ ये व्यक्ति कौन से लोक का आया, ये यमलोक से आया है कि इंद्रलोक से आया है कि वरुण लोक से आया है कि पृथ्वी पर ही था अभी अभी वापस लौट आया, कर्मचारी होता है। और यदि वो नासिका नेत्र या कानों के रास्ते प्रवेश करता है तो वो वरुण लोक से आया है। जैसे आपने कथा सुनी होगी कि माता अंजनी को गर्भ उनके कान से ठहराया गया तो वो उस जब वो कान से प्रवेश करता है उसका वरुण लोक से आया हुआ है, निश्चित है कि वो पिछले जन्म का तपस्या का महात्मा है और वो जिस माँ के गर्भ में आया है उस माँ को शोभान्वित करेगा, पिता को यश मान से बढ़ा देगा, जिस घर में माता पिता के जन्म लेगा उसकी पीढ़ियां दार देगा। जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो जाता कहाँ है, जाता है तो उसकी गति कैसे होती, कौन लेने जाता है, यहां से कहां जाते हैं। वेद शास्त्र विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य है, उस
उससे प्राचीन संसार में कोई भी साहित्य नहीं। और वेद अपौरुषेय है, अर्थात भगवान की वाणी है, मनुष्य का लिखा हुआ नहीं। शरीर छोड़ा, वो भूलोक में गया कि यमलोक में गया कि इंद्रलोक में गया कि वरुण लोक में गया कि पितृ लोक में गया कि देव लोक में गया कि वो ब्रह्म लोक में गया, ऐसे सात लोगों पर विष्णु से पूछ रहे गर्भ प्राण के, और भगवान विष्णु स्वयं उनको उनसे उत्तर देते जा रहे हैं। तो भगवान के मुख की बोली हुई वाणी स्वयं है, मनुष्य की बुद्धि और वाणी दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी व्याख्या कर सके, लेकिन गंभीर प्रश्न है तो बुद्धि वृद्धि के उपरांत शांत होती है। जिस समय किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो उस समय बुद्धि बहुत शांत होती है, उसको संसार में कुछ भी सूझ नहीं रहा होता, इसलिए उस समय उसको ये ज्ञान संबंधी प्रकरण सुनाया जाता है कि वो इस ज्ञान संबंधी प्रकरण को सुने तो अपनी उसकी बुद्धि में शांति आए, जिससे कि वो अपने आगे भी सोच सके। जैसे मन जो हमारा ये हमारे मर जाने से भर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे इस शरीर के गिर जाने के बाद हमारे शरीर में से अपान नाम का एक प्राण निकलता है, मन उस पर सवार होकर जिस जिस दिशा का उसने भोग कमाया है, कर्म किए हैं, जैसे उसका भोग होने के लिए जाता है। जब वो मां के गर्भ में पुनः आता है तब भी वो मन वापस साथ नहीं आता, उनको पिछला कुछ भी याद नहीं रह जाता। लेकिन ऐसी अनेकों घटनाएं सुनने को मिलती हैं या देखने को आती हैं, और शास्त्रों में भी वर्णन है कि लोगों को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां तक भी होती हैं। शरीर निकला हुआ अंगूठे के बराबर जैसे ही गति करता है बाहर को, उसको यह बड़ा हुआ शरीर दिखाई देता है, वह पुनः इस शरीर में प्रवेश करना चाहता है। लेकिन यदि वो साधक तामसी रहा है, अर्थात उसने जीवन में अनाचार किया हो, अत्याचार किया हो, मनुष्यों ने अपने जीवन के सार्थक बनाया, अपनी स्मृति के इस जन्म की स्मृति के शुरू होने से लेकर अंतिम समय तक संसार के कल्याण में सहयोग किया हो, भगवान नाम का जाप किया हो, दान किया हो, व्रत किए हो, संतान को अच्छी शिक्षाएं सिखाई हो, समाज में अच्छे कार्यों में भाग लिया हो, तो ऐसे मनुष्यों की गति कभी अधम नहीं होगी। ऐसे मनुष्य स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त होते हैं और उनका यश उनके जाने के बाद भी बना रहता है। इससे भी आगे की स्थिति यह है कि जैसे वो यम के दूत उसको पकड़ते हैं, तो यम के दूत जिस मनुष्य को पकड़ते हैं वो यहाँ से उसको यम की यात्रा के लिए लेकर जाते हैं, और गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज का जो लोक है 47वें दिन यमराज की पुरी में पहुंचता। वो 43 दिनों की जो यात्रा होती है, चाहे वो स्वर्गलोक को जाए, चाहे वो यमलोक को जाए, चाहे वरुणलोक को जाए, यात्रा का मार्ग उसका बनाने के लिए भारतीय सनातन परंपरा में पिंडदान की व्यवस्था है। क्या होगा कि जब अग्नि को प्रवेश करा लिया जाता है तो थोड़ी देर के बाद मृतक के सिर में डंडा मारा जाता है, कपाल में बांस मारा जाता है। वो बांस मारना भी वैज्ञानिक क्रिया है, आपको संक्षिप्त रूप में लोग किया करते हैं, लेकिन जो उसका बाकी है कि मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र 5 पिंडों का निर्माण करवाए। पहला पिंड जब उसकी शैया तैयार करते हैं तो उसकी छाती पे रखे, 2 उसके हाथों पे पिंड रखे। जो छाती वाला पिंड है, घर के दरवाजे के बाहर निकलते ही बिना पीछे देखे पीछे की तरफ घुमा दिया जाता है, जिससे कि वहाँ आसपास जो प्रेत उस शरीर के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं वो अपना वहां से भाग लेकर पिंड में से चले जाए।
और जो भेद जिसका हम शरीर जलाने जा रहे हैं उस शरीर की स्मृतियां इस परिवार के साथ समाप्त हो जाए, इसके लिए वो पिंड चौराहे पर घर से बाहर निकलते दरवाजे के पास दे दिया जाए। फिर हम जब चौराहे पर पहुंचते हैं तो हम क्षेत्रपाल को पिंड देते हैं। वो पिंड दो जो होते हैं, लड़का दाएं हाथ का बाईं तरफ छोड़ता है, बाएं हाथ का दाएं तरफ छोड़ता है और ये कहता है वहां पर वेद वाक्य में कि मेरे और आपके कर्तव्यों के बीच में मृत्यु आपको यज्ञ के अनुसार और आपके शरीर को पांचों तत्वों में हम इनके लिए यहाँ स्थान दे, यहाँ से इनकी गति दूर हो, ऐसा चौथा पिंड देता है। पांचवा पिंड वहां देता है जहां पर अग्नि जलानी है। वहां पिंड देकर बोलता है कि हे अग्नि के देवता, हे कृप्या नाम की अग्नि, अग्नि भी कई प्रकार की है, 49 प्रकार की अग्नि है, जैसी अग्नि का समय होगा वैसी अग्नि उसमें चेतन करनी पड़ती है। तो कृप्या नाम की अग्नि मृत्यु के समय बुलाई जाती है और उसको जब बुलाते हैं तो कहते हैं मृत्यु हे कृप्या नाम की अग्नि, मेरे इस मृतक शरीर के जीव को पूर्ण गति की ओर लेकर जा, ये अपने पितृलोक में या देवलोक में या ब्रह्मलोक में वास करे, ऐसा प्रार्थना के साथ वो वहां पांचवा पिंड देता है। उसके बाद उसके मुख को अग्नि देता है, अग्नि मुख में देनी चाहिए, लोग पीछे से देते हैं, पुराने अभी थोड़े समय बदल गया कि मुख खुला हुआ रखा जाता है, मुख में कपूर को भर दिया जाता है, उसमें अग्नि देने के बाद ऊपर लगने लगानी चाहिए, मुखाग्नि देनी चाहिए। मुखाग्नि देने के 20 मिनट के बाद जब मांस जल जाता है तो कपाल का मांस भी जल जाता है। कपाल के मांस में जिस आप शैया पर उनको लेकर आए थे अर्थी पर, उस अर्थी का बाईं तरफ का मांस निकाल लिया जाता है। उस बांस में से वो बांस की 3.5 हाथ लंबा होता है, हमारी काया 3.5 हाथ की होती है, इसलिए वो 3.5 है। यहाँ पर 6 रण थे, माता का रण था, पिता का रण था, देवताओं का रण था, ऋषि मुनि का रण था। वो जो बाईं तरफ का बांस हम निकालते हैं कि हम कपाल पूजा करने वाले हैं, उसी निकालते हैं कि बांस वंश की वृद्धि के लिए होता है, इसलिए कभी बांस को घर में नहीं जाना। तो बांस बाईं तरफ का लेते हैं जिससे कि इसके आने पर इसके अगले वंश की वृद्धि होती रहे, वंश न रुके। भारतीय सनातन परंपरा में इसको श्रद्धा से करने को कहा गया, ये भी यज्ञ का हिस्सा माना गया, पुत्र के लिए यह धर्म है, क्योंकि माता का ऋण कोई नहीं चुका सकता। माता का ऋण को मनुष्य अपने जन्म के रहते रहते को नहीं चुका सकता, लेकिन पुत्र यदि करने वाला हो, कर्म करने वाला हो, श्रद्धा रखने वाला हो, माता पिता को उनके रहते रहते ही उनके शरीर को इतना योग्य बना सकता है तपस्या के द्वारा कि उनकी मृत्यु होने पर जब वो उनको जलाकर आए, उनकी तेरी के दिन या 16 के दिन उसको सूर्य के मध्य में माता पिता के दर्शन होने चाहिए। तो जिसको पुत्र को चंद्रमा या सूर्य के मध्य में अपने माता या पिता के दर्शन होते हैं उनको मानना चाहिए कि उंगलियों को भी ताड़ता है, अपने माता पिता को ताड़ता है, पिछली पीढ़ियों को भी ताड़ता है। शुक्र गुरु अवस्था में मित्र सहयोगी आकर की सलाह देते हैं। शुक्र गुरु अवस्था में व्यक्तिगत बुद्धि तो लगभग शून्य सी हो जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा होता है करना क्या है, लेकिन उसके मित्र सहयोगी ब्राह्मण इत्यादि आकर उसको शुभ कार्य करने के लिए इस कार्य की प्रेरणा देने के लिए आते हैं। मेरा इस कथा को सुनाने का उद्देश्य ये था कि क्या तो कर्तव्य सुन लीजिए, क्योंकि समय सीमा नहीं है कि करो प्राण का पूरा महात्मा में सुनाया जा सके। हमारे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था है और ये व्यवस्था आदिकाल से है। आदिकाल मतलब होता है जब से सृष्टि आरंभ हुई। हम कितने पुराने हैं इस बात के लिए थोड़ा बुद्धि को आगे लेकर जाएंगे।
जहां बुद्धि समाप्त होती है तब वहां दृष्टि पैदा होती है, दृष्टि उसको दी बोलते हैं संस्कृत में। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं दी वही शब्द आता है वहां, तो बुद्धि के आगे दी है, जब दी आगे चली जाती है तो वेदा पैदा हो जाती है। कहते हुए भी परमहंस है, उसको दर्शन करना किसी भगवान के दर्शन से कम नहीं। तब वहां पर कहा गया कि सृष्टि के आदि काल में सभी जीवों का जन्म हुआ। वो कैसे हुआ और हम कितने पुराने हैं, तो वर्तमान में हम जितने लोग पृथ्वी पर इस समय हैं, हम लोग लगभग लगभग 7.5 अरब लोग हैं पृथ्वी पर मनुष्य। 7.5 अरब जीवों का आयु कितनी है, तो ये वर्तमान आयु यदि हम शरीर की ना देखें, हमारा जन्म कितना पुराना है, उसका शब्द का मतलब है संतान। बेटे को बोलते हैं संतान और बेटी को बोलते हैं संतति। बेटे को बोलते हैं संतान और बेटी को बोलते हैं संतति। संतान का मतलब होता है सूर्य से लेकर आज तक, सनातन जिस धर्म के आप लोग हैं, सनातन का मतलब होता है सूर्य से पहले से लेकर आज तक। तो ये परंपरा, वो सूर्य कितना प्राचीन है, इसको जानने के लिए बुद्धि को दी में जाना होगा। बुद्धि को दी में लेके जाइए और विचार करिए कि आप कितने प्राचीन हैं। हम जिस ब्रह्मा की संतानें हैं, जिसको हम मानते हैं कि हमारे को पार ब्रह्म परमेश्वर से हम अलग हुए और जीव रूप में यहाँ प्रकट हुए, और हम ब्रह्मा की संतानें हैं, तो ब्रह्मा जी कैसे हैं, ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन सुन लीजिए, उससे आपको अपनी प्राचीनता का अभ्यास हो जाएगा। ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी का 100 वर्ष मानी गई है, से लेकर सूर्य के अस्त होने तक 71 बार 14 मनु बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनु शरीर छोड़ जाते हैं, और एक मनु की आयु सुन लीजिए 71 बार सतयुग, 71 बार त्रेता, 71 बार 50 साल को 60 साल का हूं मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं ऐसा अलग रहा हो, और आप जन्मदिन भी मनाते हो कि मेरा आज जन्मदिन है, लेकिन आप कम से कम 2.5 अरब वर्ष पुराने फिर भी हम जीव रूप में जन्म ले रहे हैं, मैं भी इसमें शामिल हूँ आप भी शामिल हैं। और हम इस जीव रूप में आकर क्यों आए बार बार, तो वेद कहता है कि आप परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर में लीन होने के लिए मनुष्य रूप में जन्मे। बाकी योनियां प्रकृति के अधिभूत हैं और मनुष्य योनि जो है बुद्धि और प्रकृति से ऊपर है। तो मनुष्य योनि में आने के बाद यदि यहाँ से वापसी हो नीचे करना पड़ जाए, अन्य किसी योनि में जाना पड़ जाए तो चाहिए, और उसकी प्राप्ति तपस्या से होती है, इसलिए हमको मनुष्य जन्म मिला। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था में 2 प्रकार की व्यवस्था है। एक व्यवस्था है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी की ब्राह्मणी से शादी हुई क्षत्रिय पैदा हो गया, ये कहते मानिया से मानिया का हुआ तो मानिया पैदा हो गया, ये कहते शुद्ध का शुद्ध से हुआ तो शुद्ध पैदा हो गया। ये व्यवस्था, ये व्यवस्था ये है कि उसने तब से अपने शरीर की काया बदली। जैसे विश्वामित्र, विश्वामित्र जी राजऋषि थे, राजा थे, क्षत्रिय वंश में थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि की उपाधि हुई, ब्रह्मा हो गए, जाते जाते ब्रह्म हो गए, तो तपस्या से शरीर बदलना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप किसी वर्ण में पैदा हो तो आपका तप इतना नहीं होगा कि आप वर्ण ही नहीं बदल पाओगे, अपने तप से आप ब्रह्म वर्ण को प्राप्त होकर ब्रह्म योनि में जा सकते हो, उसी से ब्रह्मा को प्राप्त हो सकते हो।
उसके लिए किसी वर्ण की व्यवस्था नहीं रह जाती। लेकिन जैसे वर्ण की व्यवस्था में व्यक्ति का जन्म होता है, ब्राह्मण हो तो उसका जन्म के पैदा होते ही सोने की सिलाई से घर का बुजुर्ग उस बच्चे की जिब्बा पर शहद से सरस्वती का बीज मंत्र लिखे कि ये वाणी का जानने वाला हो, शब्दों को ज्ञान रखने वाला हो, ब्रह्म को प्राप्त हो, इसलिए लिखे। अब जिसके घर में क्षत्रिय है, राजपूत है, क्षत्रिय है, उनके घर में उनको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संतान बलशाली चाहिए और माता पिता को सुख देने वाली, उस संसार को सुख देने वाली चाहिए, वो चांदी की सिलाई से उसके जिब्बा पर दुर्गा का बीज मंत्र लिखे। और व्यापारी है, व्यवसायी है, वैश्य है, वो चाहेगा कि मेरा व्यापार में मतलब बड़े, मेरे संतान का व्यापार में भविष्य में अच्छा हो, बहुतों को पालना पालने वाला, छठे महीने के लिए सम्मान का संस्कार होगा, छठे महीने अन्नप्राशन का संस्कार कराए, उसके बाद एक वर्ष होने पर उसका नामकरण संस्कार करें, पहले वर्ष में या दूसरे वर्ष में उसका मुंडन करें, छठवें वर्ष में ब्राह्मण का, आठवें वर्ष में ब्राह्मण का, ग्यारहवें वर्ष में ब्राह्मण का जनेऊ कराएं, क्षत्रिय का जनेऊ आठवें वर्ष में, बारहवें वर्ष में, सोलहवें वर्ष में करवाएं, प्रश्न करवाएं। जैसे ही आपको छठवें साल में जनेऊ पहनाया जाता है तो वहां पर जो आपको यज्ञ कवि पहनाने आता है वो आपको चार शिक्षाएं सिखाता है। सबसे पहली शिक्षा देता है वो मातृ देवो भव, माता भगवान है, पिता देवता है। तीसरी शिक्षा देता है आचार्य देवो भव, आपका जो गुरु जिसने आपको जनेऊ पहनाया वो आपका देवता है। चौथी शिक्षा देता है अतिथि देवो भव, घर में जो आ जाए बिना बताए तो देवता है, उसका सम्मान करो। ये चार शिक्षाएं छठवें साल की उम्र में दी जाती है और छठवें साल में साथ में आपको सावित्री की दीक्षा दी जाती है जिसको आप गायत्री बोलते हैं। जब किया हो 12 साल के लिए एक समय उसने अग्नि में आहुति डाली हो, 12 साल के लिए उसने में एक किसी वेद को, चारों वेद पढ़ने के लिए 48 साल चाहिए होते हैं, 48 साल पढ़ने के बाद चारों वेदों का पूर्ण हो पाता है। 12वें 18वें साल या 22वें साल तक वो एक वेद पढ़ चुका हो, इतना उसको ज्ञान मिलने के बाद वो ग्रस्त जीवन में जाता था। जो इतनी अवस्था से गुजर कर ग्रस्त जीवन में जाएगा वह तो निश्चित ही संसार का कल्याण करने का ही कार्य करेगा, कभी दूसरा कार्य नहीं करेगा। अब वर्तमान में मनुष्य के पास कर्म योग है, तो जो भी कर्म करता है जिस क्षेत्र में भी वो है तो गीता के अनुसार कर्म योगी की गति भी पार ब्रह्म परमेश्वर तक है। असंख्य विष्णु असंख्य शिव समा जाते हैं, हम तो एक ब्रह्मा की संतान हैं, वहां जाने का रास्ता सबने ढूंढना है, उसके लिए मार्ग में आपको कैसे पहुंचना है ये गरुड़ पुराण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया। माता पिता की सेवा शास्त्रों में बहुत विधिवत बताई गई है, पुत्र का धर्म है, पुत्र वधु का धर्म है कि नित्य प्रातः काल उठकर माता पिता के पैरों को छूए। पैरों को छूने की विधि भी लोग भूल चुके हैं, उसको रिपीट कर देते हैं। बाएं हाथ से बायां पैर छूना चाहिए, दाएं हाथ से दाहिना पैर छूना चाहिए, हाथ ना चाहिए और उसको बाद में माथे के बीच में लगाना चाहिए। तो माता पिता की सेवा के विषय में यहां तक लिखा गया, शहंशाह भारत
मुसलमानों के राज्य में हुए, उनको उसने अपने बहनों को बुलाया, भाइयों को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, अपने पिता को बुलाया, संबंधियों को, दोस्तों सबको बुलाया, बुलाकर बोला कि जो जिसको जो चाहिए मांगो, मैं देना चाहता हूँ। तो बहनों ने पहले संकोच किया, बाद में धन मांगा, भाइयों ने संपत्ति मांगी, राज्य मांगा, पिता ने सुख ऐश्वर्य मांगा। माता की जब आखिरी बारी आई, माता से बोलने लगा, बेटा माँ तू मांग क्या मांगती है। माँ ने बोला, बेटा आज ऐसा करना कि रात को तू सोने के लिए मेरे पास आना और नग्न अवस्था सोने आना, नंगा होकर सोने आना। राजा 60 साल के हो चुके थे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे ऐसा क्यों कहा, लेकिन माँ की बिस्तर गीला कर दिया पानी से। और राजा गहरी निद्रा में, राजा माँ की छाती से होता हुआ इस तरह आ गया निद्रा में, उसको भी पता है मैंने छाती करवट भी ली। जब इधर उसकी नींद लग गई तो माँ ने इधर का बिस्तर भी गीला कर दिया। और राजा शरीर की आदत है कि शरीर अपने आप मच्छर को उड़ा लेता, सोते समय करवटे बदल लेता, तो माता की छाती पर रात में सोता। सुबह जब उठा तो उसको अपना सब दृश्य अच्छा नहीं लगा। उसने पूछा, माता आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपने कहा था कि मैं रात को आपके पास आके सोऊं। बोले, बेटा कभी भी नहीं समझा। बोले, क्या? बोले, तू जब 2 साल के से छोटा था, माता पिता की सेवा करे, दिन रात उनको भगवान के समान पूजे, ऐसे लोगों को भगवान की सेवा का फल तो मिलता ही मिलता है और उनको भगवान की प्राप्ति भी होती है, जैसे पंढरपुर महाराष्ट्र में कुंडली ब्राह्मण के भगवान के माता पिता के चरण दबाते रहे। भगवान बोले कि पंडित, हे पंडित, मैं तुमको दर्शन देने आया हूँ। बोले, आप भगवान दरवाजे में खड़े हो, माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, मैं भी आपसे बाद में मिलता हूँ। अभी तो उल्टा होता है कि मित्र का अपन माता सब लोग जाते हैं। तो मतलब तात्पर्य ये है कि माता पिता की सेवा परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मानी गई है और उनके अपनी स्मृति के आने पर 8 साल की उम्र से लेकर अपने रहने पर माता पिता के निमित्त करना चाहिए। किसी प्रकार से इस प्रकार माता चली गई है, अब आप पीछे हैं, उनके प्रत्येक वर्ष उनके नाम से भोजन, उनके नाम से दान पुण्य, ये भी उनकी स्मृति में मित्र लोग को ले जाने के लिए। सभी सगे संबंधियों के अलावा समाज के भौतिक वर्ग, सामाजिक वर्ग के लोग, अच्छे अच्छे व्यक्ति समाज के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। समाज में इस श्रद्धांजलि समारोह में गरुड़ पुराण का एक सार रूप शब्द है, पहले मैं जन्मा, फिर जन्मी तेरी माई, उसके बाद पिताजी जन्मे, तब बड़ा भाई। जिसको इस संसार से बाहर जाना है उसके लिए रास्ता है। पहले आप पैदा हुए, आपके पैदा होने के बाद आपकी मम्मी पैदा हुई, मम्मी के पैदा होने के बाद पापा पैदा हुए, पापा के बाद बड़ा भाई पैदा हुआ। जिसको ये रास्ता मालूम है तो पार कदम पार कदम परमेश्वर के पास जा सकता है। और आप ही पहले पैदा हुए, यदि आप नहीं होते तो ये माँ ही बनती। कर्तव्य का ज्ञान हुआ कि पिता का कर्तव्य है, फिर माँ ने बताया कि भाई ने, बहन ने, चाचे ने, ये ताऊ ने, फलाने ने, सब रिश्ते बताए, तो तब तुमने संबंध बनाए। तुम तो अकेले आए थे, जाते समय भी अकेले जाओगे। जितने भी संबंध हैं वो संसार के अंदर ही सीमित हैं, यहाँ से कोई भी संबंध आगे नहीं जाता। किए हुए कर्म, चाहे वो कर्म अच्छे हों चाहे बुरे हों, साथ में जाते हैं, उन्हीं से आपकी योनियों का निर्धारण होता है, उन्हीं के कारण आपको माता के गर्भ में बार बार आना पड़ता है। जिस वृत्ति के माता पिता होंगे उस वृत्ति की संतान, किसी का दान नहीं देखती आयु, किसी का ज्ञान नहीं देखती आयु, को केवल काल है।
काल अपना निर्धारण स्वयं करता है, वहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती। उसके लिए कहा काला संघर्ते प्रजा, काल ही प्रजा का संहार करता है। वहां तक जाने के लिए नाम रूपी सीढ़ी, ज्ञान रूपी सीढ़ी, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जिसको कोई तुकना हो, कोई भी ऐसा नहीं जिसको कोई तुकना, कुछ ना कुछ तो है, चाहे वो काम की समस्या, शरीर की समस्या। महावीर स्वामी जैनियों के 84वें तीर्थांकर माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद 7वें दिन ही इस बात की घोषणा करते हैं कि संसार दुख है, इससे मुक्ति का उपाय करो। संसार व्यक्ति के लिए है, रहने के लिए नहीं। इसलिए हम लोग किसी को, सब कोई हमारे यहाँ साधु रूप में आता है तो उसको हम संत बोलते हैं। संत का मतलब होता है जिसने संसार का अंत कर दिया, सन्यासी, हम बोलते हैं सन्यासी आ गया। न्यास मतलब होता है छोड़ना, सा मतलब संसार को, जिसने रहते रहते संसार छोड़ दिया वह सन्यासी। जिसने योग के द्वारा अपने प्राण को अपने मस्तक के बीच में लाकर स्थित कर दिया वो योगी, और जिसने भक्ति के द्वारा अपने मन को मारकर मन में पार का पार ब्रह्म परमेश्वर को बसा लिया जैसे मीरा, ये सब अवस्थाएं ही हमारे मनुष्य की अंतिम अवस्थाएं हैं। इनको प्राप्त करना दुर्लभ है, बाकी धन प्राप्त करना, वैभव प्राप्त करना, ये तो आपको तपस्या यज्ञ से मिल जाएगा, लेकिन बहुत साधना करने पर बाकी गतियां प्राप्त होती हैं। हे मनुष्यों, सभी लोग अपनी गति का और आने वाले समय में पूर्व गति का ध्यान रखते हुए जीवन को जिए। आज के लिए इतना ही। बोले विष्णु भगवान की जय, गरुड़ भगवान की जय। मैं मृतक की आत्मा की शांति के लिए 3 शांति मंत्र बोलूंगा, उसके बाद सभी लोग ओम का उच्चारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति। सभी लोग दीपारोहण कर सकते हैं। सब शयान भवति जायमानः तं धीरासा कवञ्जति स।